गाइस गुड मॉर्निंग। आज तारीख है 18 फरवरी 2023 और सुबह के 7:30 बज चुके हैं और हम लोग सानंद भूमिका के घर पे जा रहे हैं और 8 बजे अभी बस निकलने वाली है और जल्दी से मुझे बस को पिकअप करना है। मम्मी को, ज्योति को और पापा को मैं बस पे ड्रॉप करके आया हूँ और अभी फटाफट मुझे जाना पड़ेगा। लेट हो रहा हूँ तो जल्दी जल्दी बस को पिकअप कर लेता हूँ। 7:30 बज के ऊपर 7 मिनट हो चुके हैं। फाइनली गाइज मैं पहुंच चुका हूँ, बस पिकअप कर लिए। ये देखो मम्मी और पापा पीछे बैठे हुए हैं और यहाँ पे मेरे बाजू में ज्योति बैठी हुई है। अभी जल्दी मैं था तो पता नहीं पाया था मैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग एक्चुअली भूमिका के घर पे, वहाँ पे जो सोसाइटी है उनकी, वहाँ पे हवन है और उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया है तो उसमें हम लोग जा रहे हैं। ये सानंद की टिकट ले ली है हमने, 4 टिकट, 1, 2, 3, 4 पर टिकट 27 रुपीज का बीच चलता है सानंद के। यहाँ आदाबादी कॉलोनी से सीधा सानंद, मतलब कि महादेव नगर से। सुबह के 9:30 बजे के करीबन टाइम हो चुका है और हम लोग यहाँ पे सानंद में भूमिका के घर पे पहुँच चुके हैं। जो नीचे जो फ्लैट दिख रहा है यहाँ पे धार्मिक और भूमिका शादी के बाद रहते हैं और अभी बैकग्राउंड में आप लोगों को आवाज़ भी सुन रही होगी कि ये जो हवन चल रहा है उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है बैकग्राउंड में। और अंदर क्या चल रहा है मैं दिखाता हूँ थोड़ा आप लोगों को। प्रथम पयस्नान पैकेट दूध रमजी दादा ने केवल भे दादा तमु सौ प्रथम दूध थी स्नान करव छु। दोपहर के 2:30 बज चुके हैं गाइज और दोपहर का खाना बना सब फिनिश हो चुका है और सब अभी यहाँ पे आराम कर रहे हैं। ये जो मेन हॉल है उसमें पापा, जीजा जी, संदीप कुमार और धार्मिक कुमार के फादर वगैरह आराम यहाँ पे कर रहे हैं और ये दूसरे रूम में दीदी, मम्मी और ज्योति, वो तीनों यहाँ पे। Yeah।
सुबह से 9 बजे से लेकर अभी तक ये कंटिन्यू बैठे हुए थे, सिर्फ दोपहर को खाने के लिए उनको आधे घंटे के लिए छोड़ा गया था। ब्राह्मण घर का शुद्धिकरण करने के लिए आ चुके हैं और अभी घर का शुद्धिकरण हो रहा है। थोड़ी दूर अलग लोकेशन पे रखा हुआ है। मैं और जीजा जी यहाँ पे बाइक पे आए, बाकी के सारे लोग गाड़ी में अभी पीछे आ रहे हैं। यहाँ पे खाने का जो अरेंजमेंट किया है वो बहुत ही बेहतरीन लोकेशन पे इन लोगों ने अरेंजमेंट किया है। देखो पीछे बैकग्राउंड में दिख रही होगी आप लोगों को जगह, ये जगह तो बहुत ही बढ़िया है गाइस, पर आजू बाजू खेत है इसलिए यहाँ पे मच्छर बहुत काट रहे हैं। और आज हम लोगों का उपवास है तो उपवास के खाने का यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं है, वो दूसरी जगह पे अरेंजमेंट है, पर वो सब खाना वगैरह यहाँ पे आने वाला है। और ये फाइनली खाना आ चुका है और हम लोग खाने बैठ चुके हैं। रात के 10:15 बज चुके हैं और सभी लोग अभी नीचे गरबा वरबा चालू है तो वहाँ पे जा रहे हैं और मेरे को नींद आ रही है तो मैं अभी सो रहा हूँ। मिलते हैं कल एक नई सुबह के साथ। गुड बाय, गुड नाइट।